गुड इवनिंग एवरीवान हाउस यू ऑल कैसे हैं आप सभी बीनर्स इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में मैं दामिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुड इवनिंग रमा रामकरण रश्मि सोनम सिद्धार्थ रामपाल दिया सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग राम राम जय श्री कृष्णा कैसे हैं आप सभी आ, मैं बिल्कुल आ गई हूँ माही क्या बोल रहे बेटा चले कोई इशू नहीं है चले चलेगा सो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे ए के राठौर जी में इसका आंसर आप लोगों को लास्ट में दे, आ, इसका आंसर में लास्ट में देती हूँ चले कल हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था है ना शॉर्ट में मैंने थोड़ी सी चीज आप लोगों को बता बताई थी कि किस टाइप से आप रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर सकते हो है ना ये मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है हाँ गुड इवनिंग अमजद तो सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग और फाइनली हम हमारे टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग इसको पढ़ेंगे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये बंद होता क्या है क्यों बनते हैं कहाँ बनते हैं कैसे बनते हैं राइट right? तो बिल्कुल ये चीज़ को मैं आगे जो है एक्सप्लेन करूँगी और आप सभी को जैसे कि जानकारी होगी कि हमारा व्यापम का नया जो बेच है वो स्टार्ट होने वाला है चार तारीख से तो कई सारे आप में से बच्चे जो है वो ये चीज़ बोल रहे थे कि मैम ऐसा कुछ एक आ, बेच बने जिसमें हम सारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके तो वो ऑफकोर्स वो बेच अपने सामने अब आ गया है पीई और व्यापम का लेकर के इसमें आपके सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है एक ही बेच में जिसकी फीस जो है चार तारीख तक जो है वो वन रहेगी उसके बाद जो है आपकी फीस

स्टार्ट करें बायो का जैसे ही होगा वैसे तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे लेक्चर्स बायो के ले लिए हैं यूट्यूब पे फिर भी आप लोगों को कल जैसे कि मैंने बोला था कि कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ना चाह रहे हो फिजिक्स के तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स मुझ तक आए हैं और फिजिक्स तो हम जल्दी ही स्टार्ट करने भी वाले हैं तो जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो वो टॉपिक आप मुझे बिल्कुल से बताइएगा और uh, जो जो टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो अपन उसको जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे ठीक है जी पीडीएफ वगैरह मैं प्रिया टेलीग्राम पे डलवा दूंगी अभी मैं पीडीएफ बनवा दूंगी आप लोगों के लिए और जब तक आप जो है प्रैक्टिस के लिए आप जो मैं यहाँ पर अभी करवाऊंगी उसको देखेंगे है ना बेटा चले जी मृदुल चलो स्टार्ट करते हैं लेवाइसर कहा जा सकता है कुमार लेवाइसर जो है इट इज़ अ फादर ऑफ केमिस्ट्री है ना लेवाइसर और फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरस्तु या एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ आपके बॉटनी जो है वो थियोफास्टर्स है चले स्टार्ट करें तो चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध चल देखें हाँ जी पायल जल्दी में करवाती हूँ चले देखेंगे डियर सबसे पहले हम लोगों को यहां पर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, है ना चल देखिए केमिकल बॉन्ड हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बंध चले देखेंगे जैसे कि आप सभी को पता है कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड जो होते हैं ये क्यों बनते होंगे तो देखिए कल हमने जो रासायनिक अभिक्रिया या आ, बोल सकते हैं रासायनिक सूत्र का निर्माण करना स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी जो तत्व होता है वो अष्टक पूरा करना चाहता है बताया था मैंने अष्टक नियम को लेकर के कल मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि कोई भी तत्व ऐसा चाहता है कि उसका अष्टक या ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए और अगर कंप्लीट नहीं रहता है तो उसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है हिंदी में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो या तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसी संदर्भ में हम ये चीज कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या दान करके ये लोग क्या करते हैं बंद बनाते हैं जैसे हम लोग भी क्या करते हैं किसी को सामान दे वे के या ले वे के हम लोग क्या करते हैं संबंध बनाते हैं वैसे ही कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या गैनिंग या हम लोग क्या कह सकते हैं डोनेट करके क्या बनाते हैं बॉन्ड बनाते हैं और इसी चीज को रासायनिक बंध कहेंगे ठीक है चले देखेंगे अब यहां पर चले तो बढ़ते हैं हम लोग यहां पर केमिकल बॉन्ड क्या होता है कैसे बनते हैं तो देखिए कोई भी तत्व जो है अष्टक बनाने के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देता है या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं इसी के कारण जो आ, बोल सकते हैं संबंध बनते हैं तत्वों के मध्य उसी को हम बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं चले अब मैंने कल जैसे कि आपको बताया था जो धातुएं होती है वो जनरली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है या दान करती है जबकि अधातुएं जो रहती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है कल मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कोई भी धातु या अधातु के ऊपर जो है धन आयन या ऋण आयन आ जाता है वो कैसे आता है चलो एक और बार से हम कल के चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ठीक है चले देखिए बेटा कल मैंने आपको एक चीज बताई थी वापस से समझेंगे सभी के सभी क्या बताया था जो स्टूडेंट्स आज नए हैं उनको भी मैं यहां पे ये चीज बता दू कि कल मैंने आपको क्या बताया था देखे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण में यहां पर देती हूँ सोडियम यहां पर देखें आप सभी एक उदाहरण के रूप में सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक ग्यारह होता है क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक ग्यारह इसका अगर सिंबल देखा जाए तो इसका संकेत होता है एन एन तो गाइस अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा तो हम सभी को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ एक होगा दो कॉमा आठ कॉमा एक क्यों होगा क्योंकि सबसे पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसके बाहर दूसरे कक्ष में अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और तीसरे कक्ष में बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अगले कक्ष में या आएंगे जो कि है एक अब देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दो कॉमा आठ कॉमा एक होगा अब हमें क्या करना है बंद बनाने के लिए तो समझेंगे देखिए ये जो सबसे बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के अब सोडियम क्या करे क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दान उसको करना पड़ेगा तभी जाके उसका अंदर वाला अष्टक तो कम्प्लीट है नहीं तो सोडियम को क्या करना चाहिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है उसको छः इलेक्ट सात इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी जाकर के वो अपना अष्टक कम्प्लीट कर पाएगा सही है आठ कंप्लीट करने के लिए इसके पास केवल एक ही है सात की कमी है तो अब ये सात इलेक्ट्रॉन किसी से मांगने जाए कि भैया मुझे सेवन इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो किस किस से मांगेगा सो तो इससे बेहतर उसके लिए एक ही चीज़ है कि वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को वो किसी को दान कर दे जिससे अंदर का अष्टक तो इसका कंप्लीट है ही तो सोडियम क्या करता है अपने ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है दान कर देता है जब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी देखो सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश रहता है प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश रहता है जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है उसके ऊपर बोल सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे दस इलेक्ट्रॉन बचे प्रोटॉन अभी भी ग्यारह ही है तो आपको अब समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दस बचे मतलब ऋण आवेश दस है धन आवेश ग्यारह है दोनों में से कौन सा आवेश ज्यादा होगा धन वाला आवेश जो है वो ज्यादा होगा कितना ज्यादा एक ही ज्यादा इसीलिए सोडियम के ऊपर एक धन आवेश आ जाता है। सेम कल एक और उदाहरण हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लोरीन को लेकर के क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक सत्रह होता है इसका सिंबॉल सी होता है अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे हम दो कौमा आठ कौमा सात ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सात इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये सात किसी को क्यों देगा जब वो एक किसी से ले सकता है तो अब अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन के पास सत्रह इलेक्ट्रॉन थे सत्रह ही प्रोटॉन थे है ना अब इसने क्या किया अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जब इसने किसी से लिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई अट्ठारह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं अभी भी सत्रह ही है मतलब कौन सा आवेश इसमें ज़्यादा है धन वाला की ऋण वाला तो आपको दिख रहा है ऋण आवेश जो है ज़्यादा है कितना ज़्यादा एक ज़्यादा है इसीलिए हम लोग इसे सीएल वन नेगेटिव के नाम से जानेंगे इसके ऊपर एक ऋण आवेश आ गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ा हुआ है क्लियर है तो इस प्रकार से अब यहां पर एक चीज याद रखना इसे कहा जाता है सोडियम इसे कहा जाता है सोडियम आयन जबकि इसे कहा जाता है क्लोरीन इसे कहा जाता है क्लोरीन आयन या क्लोराइड आप उसको कह सकते हैं अब एक चीज सभी ध्यान देंगे जब भी हम लोग बात करते हैं सोडियम आयन की या क्लोरीन आयन की जिस भी शब्द के आगे आयन लगता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ होगा देखिए सोडियम आयन जब हुआ कब हुआ होगा जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है अब इसका विन्यास क्या होगा पता है दो कॉमा आठ ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और आप सभी को पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो कॉमा आठ कॉमा एक है पर आयन जब पूछा गया हो तो आयन कैसे बना है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो आयन बना है तो इसीलिए इसके ऊपर एक घनावेश आ गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो कॉमा आठ होगा जबकि क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो कॉमा आठ कॉमा सात था पर जब ये क्लोरीन आयन बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ कॉमा आठ होगा तो ये इसके विन्यास भी आप लोगों को जो है याद रखने हैं ठीक है आप सभी को इतनी चीजें समझ में आए चले अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं बंद बनाने की तरफ कि किस टाइप से केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं हैं एक चीज पर समझते हैं, जिसे डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है बिंदु के रूप में हमको एक चीज समझ नहीं है वो समझेंगे कैसे हम लोग क्या करते हैं जिस भी तत्वों के मध्य हमको बंद बनाना है उसमें हम लोग क्या करते हैं बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको बिंदु के रूप में अपन दर्शाते हैं इसको हम डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं अब डॉट स्ट्रक्चर बना करके हम बहुत आसानी से केमिकल बॉन्ड या रासायनिक सूत्र का निर्माण कर सकते हैं पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि रासायनिक बंध क्या है और कितने प्रकार के होते हैं है ना चल, मैं यहाँ पर लिख के दे रही हूँ देखेंगे यहाँ पर अष्टक पूरा करने हेतु तत्व अपने या तो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या तो ग्रहण करते हैं या तो साझेदारी करते हैं इस कारण तत्वों के मध्य जो बंध बनते हैं इसे रासायनिक बंध कहा जाता है रासायनिक बंध मुख्य दो प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बंध के प्रकार रासायनिक बंध के प्रकार कितने प्रकार होंगे चलो देखेंगे पहले प्रकार का जो बंध होता है उसे कहा जाता है आयनिक बंध क्या कहा जाता है पहले प्रकार का जो बंध होता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड अब देखिए आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है चलिए अभी सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे संदीप यहां पर अब बोर्ड पे ध्यान दे हम्म इंग्लिश में बताऊं, देखिए केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स या आ, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं या रिसीव होते हैं तो यहां पर बॉन्ड बनते हैं उसको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं केमिकल बॉन्ड मेनली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही बनते हैं अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे दो टाइप के केमिकल बॉन्ड है आनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड दूसरे प्रकार के बंद को हम सह संयोजी बंद के नाम से जानते हैं चले अभी सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे तो सारा अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा चले देखें यहाँ पर आनिक बॉन्ड कैसे कैसे होंगे किस टाइप से इसको बन, बनाया जाएगा देखिए सबसे पहले हमको बंद बनाने के लिए क्या चाहिए कि तत्व जो होते हैं इसकी हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बताती हूँ एक तरीका किस प्रकार से हम बनाएंगे जैसे मैंने पहला उदाहरण आपको बता रही हूँ देखिए सोडियम जो है इसका सिंबल एन होता है अब इसके इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाएगा तो दो कौमा होता है अब हमें क्या करना है बंद बनाने के लिए जितने भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं जिसे डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है क्या कहा जाता है डॉट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर ये जैसे कि सोडियम है अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ एक होगा तो हम क्या करेंगे इसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने हैं एक है इसको एक बिंदु के रूप में दर्शाएंगे सेम बेसे ही अगर हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन दूसरे अगर तत्व की बात करें जैसे क्लोरीन देखना यहाँ पर क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो कॉमा आठ कॉमा सात होता है तो अब हमको क्या करना है इसको भी हम डॉट स्ट्रक्चर या बिंदु के रूप में हम लोग यहाँ पर दर्शाएंगे कैसे तो देखें यहाँ पर सबसे पहले इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है सात तो सात इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाएंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा और सातवा अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जब भी रासायनिक बंध हम लोगों को बनाना है तत्वों के जितने बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स को हम बिंदु के रूप में यहाँ पर दर्शाते हैं जैसे सोडियम के बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है मैंने एक बिंदु के रूप में यहाँ दर्शा दिया वैसे ही क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन है तो मैंने सात बिंदु के रूप में बिंदु का बनाने का तरीका कैसे होगा जैसे सात इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठा सातवा ऐसे बिंदु को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं अब देखिए यहाँ पर सोडियम जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अब इसको क्या करना है इसको किसी को दान करना है ये इलेक्ट्रॉन का तो सोडियम क्या करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दान कर सकता है क्लोरीन को क्योंकि उसका कारण क्या है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक 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 एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो सोडियम क्या करता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है क्लोरीन को दे देता है इससे क्या होगा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो दो कौवा आठ हो जाएगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो कौमा आठ कॉमा आठ हो जाएगा तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में बंद बनने से क्या बना है NaCl बना है NaCl का नाम क्या होगा सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड के मध्य जो बंद बना है वो कैसा है आयनिक बंद है या आयनिक बॉन्ड है तो सोडियम क्लोराइड के मध्य कैसा बंद बना है आयनिक बंद तो आप आयनिक बंद को लेकर के कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है वो क्या याद रखनी है आयनिक बंद हमेशा धातु तथा अधातु के मध्य बनता है अधातु के मध्य बनेगा जितने भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, उनके मध्य जो बंध बनेगा धातु और अधातु के मध्य आयनिक बंध बनता है आयनिक बंध बनता है यह चीज आप लोगों को याद रखना है द बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर द आयनिक बॉन्ड यह हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो है

यहां पर आयनिक बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है इसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा उसको रिसीव करेगा एक क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो दूसरा उसको ग्रहण करेगा इस टाइप से जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग आयनिक आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं तो कैसे बनते हैं इसमें क्या होगा एक धात्विक तत्व जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अधातु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धातु ने क्या किया अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया किसको अधातु को तो इस प्रकार से जो बंद बना

तो मैग्नीशियम और क्लोरीन इसके मध्य किस प्रकार से बंद बनेगा तो देखेंगे हम लोग यहाँ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है बारह है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बारह है इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो दो कॉमा आठ दो तो जैसे कि मैंने क्या बोला है कि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने बिंदु हम लोग लगाएंगे तो चलो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु अब यहां पर देखो क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सत्रह है जो कि अब तक तो आपको याद हो गया होगा दो कौमा आठ कौमा सात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बंद कैसे बनाएंगे तो जितने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उतने बिंदु हम लोग बनाते हैं कितने हैं सात दो तीन चार पाँच छ और सात जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है एक इलेक्ट्रॉन की और इसको कितने इलेक्ट्रॉन देना है दो इलेक्ट्रॉन तो अब कैसे बंद बनाएंगे क्योंकि देखो अगर ये मैग्नीशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे भी दिया तो भी अब इसका परमाणु अब इसका विन्यास क्या हो जाएगा दो कॉमा आठ कॉमा एक पर अभी भी इसका स्टक कंप्लीट नहीं है या अभी भी ये जो है स्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है देखिए ये क्लोरीन का तो अब विन्यास हो जाएगा दो कॉमा आठ कॉमा आठ पर अगर हम लोग बात करें ये स्टेबल नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो अब हमको इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा दूसरा एक और क्लोरीन लेना पड़ेगा अब इसके भी बाहतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन होंगे ये हो गए सात इलेक्ट्रॉन अब ये मैग्नीशियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको दान कर दिया क्लोरीन को तो अब जाके ये स्टेबल हुआ है और यहां पर जो सूत्र बनेगा उस सूत्र का नाम होगा एम जी सी एल टू जिसे कहा जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड क्या कहा जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है ठीक है मुझे एक बार बताओ यहां तक क्लियर है क्या तो आपको मैं यहां पर थोड़े से और क्वेश्चन देती हूं यहां पर फिर आप मुझे बताना बताएं यहां पर आपके क्वेश्चंस क्लियर है क्या ठीक है यहां तक का क्लियर है हाँ जो बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम डेली क्लास लग रही है क्या तो डेली ही क्लास लगेगी हमारी सिक्स टू सेवन का हम लोगों का टाइम रहेगा और केमिकल बॉन्डिंग ये टॉपिक ऐसा है कि जल्दी से समझ में नहीं आता है फिर भी अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया है ना जी मोनू करते हैं उसको भी है ना चलिए विश्वकर्मा जी अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार मैं यहाँ पर बताती हूँ है ना मैंने सिर्फ क्या किया है देखो कल हमने जो है रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ सी, सीखी थी कि संयोजकता कैसे निकालते और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है तो हमने सिर्फ क्या किया है कि हमने सिर्फ यहां पर क्या किया है कि बाहेतम कक्ष में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना हमने उसको डॉट के फॉर्म में यहां पर जस्ट बना दिया और जितने डॉट्स है उस हिसाब से हमने उसको क्या करा डोनेट करवा दिया ठीक है दो सीएल क्यू लिए है ऐसा बोल रहे हैं क्या हां चले देखिए यहां पर दो सीएल क्यू लेने पड़े वापस से ध्यान दो सभी देखिए मैग्नीशियम के बाहेतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन्स थे ठीक है दो इलेक्ट्रॉन थे तो पहला इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दान कर दिया चलो अपन ने दूसरा सीएल अभी नहीं लिया अब देखो मैग्नीशियम के अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए एक तो अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए एक दान करने के बाद भी तो दो कॉमा आठ कॉमा एक बच रहा है ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन से ये स्थायी तो हो ही नहीं सकता इसको एक इलेक्ट्रॉन दान करना ही पड़ेगा तो ये दूसरे क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तभी जाकर के स्टेबल जो है वो हो पाएगा चले एक और बार मैं शुरू से रिपीट कर रही हूँ वापिस से सारे बच्चे ध्यान देंगे देखिए आयनिक बंध जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन दान करेगा और दूसरा उसको ग्रहण करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दान क्यों कर रहा है क्योंकि उसके पास ज्यादा है क्योंकि ये जो है सात इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दे तो उसका अंदर का तो अष्टक कंप्लीट है ना सेम वैसे दूसरा क्यों ग्रहण कर रहा है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर रहा है तो अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके भी आठ हो जाएंगे तो ये भी बोल सकते हैं स्टेबल हो जाएगा या स्थाई हो जाएगा तो स्थाई होने के लिए अष्टक बनता है और जिन बच्चों को ये अष्टक वाला चीज समझ में नहीं आई है वो कल वाला वीडियो एक बार जाकर के देख लीजिएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा है ना इसीलिए कल हमने वो वाला टॉपिक लिया ये वाला टॉपिक जो है पिछले से ही रिलेटेड है अब यहाँ पर एक और चीज देखेंगे बेटा कि यहाँ पर एक ने इलेक्ट्रॉन दान किया है दूसरे ने उसको ग्रहण कर लिया है तो यहाँ पर वही चीज हो रही है दान कर रहे हैं और दूसरा ग्रहण कर रहा है चलो मैं यहाँ पर कुछ और उदाहरण आप लोगों को बताती हूँ चलो मुझे बताओ बताओ इसमें बंद किस इस प्रकार से बनेगा और सूत्र क्या बनेगा देखिए एक उदाहरण मैं यहां पर दे रही हूं यहाँ है मैग्नीशियम यहां है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आठ है मैग्नीशियम का बारह है बना के देखो अपनी अपनी कॉपी में दूसरा उदाहरण देखें एक है सोडियम दूसरा है ऑक्सीजन इसको भी बना के देखो सोडियम का ग्यारह है ऑक्सीजन का आठ है इसको बना के देखो तीसरा है यहां पर कैल्शियम और दूसरा है क्लोरीन, चलो इसका भी बना के बताओ कैल्शियम का बारह बीस है और क्लोरीन का सत्रह है इनके मध्य बंद कैसे बनेंगे चले बताए बेटा हम्म जल्दी से बताएं इसके किस टाइप से होगा <coughs> प्रिया इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में ऐसा पूछ रहे हो क्या देखिए इसमें आपको सूत्र दिया जा सकता है कि जैसे आपको सूत्र दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड अब बोल उन्होंने यहां पर यह बोला कि बताओ इसके मध्य किस प्रकार का बंद बन रहा है आपको बंद पहचानने पड़ेंगे है ना जी पाटिल जी मैं इसको एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ केमिकल बॉन्ड विच इज फाउंड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज द एनिक बॉन्ड एनिक बॉन्ड ऑलवेज फाउंड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल वे आर वन एलिमेंट दैट इज मेटल जस्ट डोनेट टू इलेक्ट्रॉन टू अनादर नॉन मेटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन इट जस्ट डोनेट द एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन्स टू अनादर एलिमेंट

है ना देखिए पहला वाला आपको जो दिख रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड सभी ने बिल्कुल सही बनाया है एम बनेगा उसका रीजन क्या होगा उसका रीजन ये होगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है दो दो कॉमा आठ टू कॉमा एट कॉमा टू होता है तो आउटर मोस्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर बना दिया ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे छे क्योंकि एट इसका क्या है वैलेंसी है तो देखिए छे कैसे बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो दो इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है उसको डोनेट कर देगा दान कर देगा तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा एम का निर्माण होगा दूसरा देखिए यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन इसके मध्य किस प्रकार से बंद बनेगा सोडियम के बाहेतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जबकि ऑक्सीजन का अगर देखा जाए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छः होंगे अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से बंद बनेगा क्योंकि सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन दान अगर कर दे ऑक्सीजन को तो अभी ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो कमी तो दूसरे सोडियम ने इसको बोला कि चलो भैया मैं एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया तो अब यहां पर सूत्र क्या बनेगा दो एन और ऑक्सीजन एक ही है तो इसीलिए पर बनता है। है कल हमने जो केमिकल बॉन्ड पढ़े थे, उसमें याद आ रहा है क्या? ऑक्साइड की संयोजकता थी, और सोडियम की संयोजकता एक थी। याद ऑक्साइड मतलब थी, थी सूत्र बनता तो भी तो ओ ही, बनता। सोडियम का सूत्र ओ ही होता है ठीक है चले बढ़ते हम लोग आगे इधर देखिए बेटा हरिओम मैं दिखवाती हूँ है ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पॉइंट ना चले अपन समझेंगे उसको भी आगे देखिए कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो किस प्रकार का बंद बनेगा यहाँ पर टू कॉमा एट कॉमा 8.2 ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाह्यतम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन तो चलो अपन ने इसको बना दिया यहां पर क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन तो एक दो तीन चार पाँच छः सात इलेक्ट्रॉन है और इसने क्या किया कैल्शियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दिया फिर भी एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास ज्यादा है तो भी ये स्टेबल नहीं हो सकता तो दूसरे क्लोरीन को इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पर जो सूत्र बना है सी एस एल टू बना है तो अब अगर आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलता है कि बताइए कैल्शियम क्लोराइड के मध्य किस प्रकार का बंद होगा तो आप क्या लगाएंगे आयनिक बंद अच्छा एक और एग्जाम्पल अगर आपके सामने है सीए और ओ का तो इसमें किस प्रकार का बंद बनेगा बेटा सीए सीएल टू बिल्कुल सही यहां पर चले वेरी गुड हिमांश देखिये सीए ओ में किस प्रकार का बंद बनेगा तो इसके भी बाहत्तम कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है और उसको दो इलेक्ट्रॉन की कमी है ठीक है तो ये क्या करता है कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा और सूत्र क्या बनेगा सी इसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम क्लोराइड इसका सही आंसर होगा चले बढ़ते हम लोग आगे ठीक है यहां तक आयनिक बॉन्ड तक तो समझ में आ गया चले नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग वॉट इज कोवैलेंट बॉन्ड चलो फटाफट से अपन लोग यहां पर देखते हैं सेकेंड टाइप का जो बॉन्ड होगा उसको कहा जाएगा को वैलेंट बॉन्ड हिंदी में कहा जाएगा संयोजी बंध बंध ये क्या होता है चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग देखिए कोवेलेंट का मतलब क्या होता है जब दोनों के पास दो ऐसे एलिमेंट्स है दो ऐसे तत्व है दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो और दोनों को देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी तत्व नहीं है जो कि जनरली मेटल होता है जैसे मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल उसको रिसीव करता है धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो अब ये केस है ही नहीं दोनों भी क्या है नॉन मेटल से दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कोई मेटल है भी नहीं जो कि उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे सो तो जनरली क्या होता है जहां भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहां जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी संयोजी बंद संयोजित बंद किसके मध्य बनता है तो यहां पर याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द नॉन मेटल एंड अनादर नॉन मेटल जहां दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बंद बनेगा हिंदी में कहा जाता है दो अधातु के मध्य दो अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनते हैं है ना उन बंधों को हम लोग क्या कहते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं इंग्लिश में को वैलेंट बॉन्ड कहा जाता है वो वाले बॉन्ड जो नॉन मेटल और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं यहां पर क्या होगा चल देखिए यहां पर बेटा देखें यहां पर सो so गाइस यहां पर दो नॉन मेटल जो है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी या शेयरिंग होगी चलो मैं एक उदाहरण बताती हूं आपको फॉर एग्जाम्पल में मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ और मेरे हाथ में एक पेन है और मेरे को एक दूसरे कलर का पेन चाहिए जो मेरे सामने वाले पार्टनर के पास है अब हम दोनों के पास एक एक पेन की कमी है हम दोनों ने क्या सोचा कि हम अपने पेन को जस्ट शेयर कर लेंगे है ना न मैंने अपना पेन उस सामने वाले व्यक्ति को दान किया है ना उसने मुझे अपना पेन रखने को दिया हमने जस्ट क्या किया है शेयरिंग कर जैसे हम लोग किसी चीज की साझेदारी या शेयरिंग करते हैं किसी को दान नहीं कर देते सेम वही चीज यहां पर भी होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर यहां पर कोई भी किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है ना तो कोई रिसीव कर रहा है चले उदाहरण में बताऊं कैसे हाँ जी अमित मैं वापिस से बीस तत्व दोबारा लिखवा देती हूँ है ना अमित मैं अभी लिख देती हूँ है ना चले देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस प्रकार से तो देखो मैं बता फॉर यहां पर देखना ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बताती हूँ सुनना सह बंद हमेशा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या शेयरिंग से बनता है एक उदाहरण देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी देखो हाइड्रोजन था इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था आप सभी को पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है तो इसके बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन था अब कम से कम हाइड्रोजन को अगर स्थाई होना है तो उसके पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए एक है एक की उसको कमी है तो अब ये अपनी आ, कक्षा के दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक और इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए जाता है मेटल्स के पास धातु है इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही है इसके सामने आ गया क्लोरीन देखना यहाँ पर क्लोरीन जो है इसके बाहित कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है अब आप सभी को तो ये चीज़ याद हो ही गई होगी कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन गया कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन ने बोला कि भैया मेरे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है मैं तुझे कैसे दो है ना सो so यहाँ पर हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ने क्या सोचा कि चलो हम दोनों क्या कर देते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं तो ये शेयरिंग पता है कैसी होती है देखो यहाँ ये हाइड्रोजन था ये इसका रेड कलर का ये इसका इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन था ये इसका इलेक्ट्रॉन है अब देखो यहाँ पे यहाँ पर क्या हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और इस प्रकार से जो बंद बना है उसे कहा जाएगा सह संयोजक बंद और सूत्र का निर्माण हुआ एच तो एच के बीच में जो बंद बना है वह सह संयोजक बंद बना है यहाँ पर ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दान किया है ना तो किसी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है और इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंद बनता है उसे हम सहसंयोजक बंद के नाम से जानते हैं जो कि अधातु अधातु के मध्य बनता है ठीक है अब देखेंगे यहां पर सभी जैसे एच सी एल हो गया वैसे अगर बात करे जाए कितने प्रकार के सह संयोजक बंद होते हैं तो चलो मैं यहां पर बता देती हूं आपको ऐसे बंद जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं सहसंयोजक बंद तीन प्रकार के होते हैं पहला प्रकार हो गया एकल सह संयोजक बंद एकल सह संयोजी या एकल सह संयोजक इंग्लिश में कहा जाता है मोनोवैलेंट या हम उसको क्या बोल सकते हैं मोनो बॉन्ड है ना या इंग्लिश में आप उसको सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड वैसे ही दूसरे प्रकार का जो बंद होता है उसे द्वि सह संयोजक कहा जाता है जिसे इंग्लिश में डबल बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं डबल बॉन्ड और तीसरे और अंतिम प्रकार का जो बंध होता है उसे कहा जाता है त्रिस संयोजक सह जिसे इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड तो देखो गाइस ये कैसे कैसे बंद होते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहां डबल बॉन्ड बनेगा और जब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हिंदी में अगर कहा जाए तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो एकल सहसंयोजक बंद दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है ना जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एच के बीच में क्या हुआ हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया उसको बांटा उसके साथ तो HCL के मध्य कौन सा बंद बन गया सहसंजक वो भी कौन सा एकल सहसंजक वैसे अगर हम लोग बात करें डबल बॉन्ड की जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो द्वि सह संयोजक और तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा अब देखिए इसके उदाहरण हम लोग यहां पर देखते हैं चलो चले अब देखिए यहां पर कितने कितने किस टाइप से बॉन्ड बनेंगे चलो मैं उदाहरण एक बताती हूं आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें पहला उदाहरण मैं आपको बता रही हूं क्लोरीन और उसके सामने दूसरा क्लोरीन है देखना क्लोरीन क्लोरीन के मध्य किस प्रकार से बंद बनेगा तो क्लोरीन जो है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे डियर तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ और सात सात इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्ष में है इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक की जरूरत है सेम उसके सामने दूसरा क्लोरीन है इसके पास भी बाहतम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन है इसको भी एक की क्या है कमी है तो ये क्या कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहे हैं तो इन्होंने क्या किया ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली और इसको उन्होंने एक लाइन के रूप में दर्शाया तो क्लोरीन और एक क्लोरीन और दूसरे क्लोरीन के मध्य एकल सह संयोजक बंद बना और सूत्र का निर्माण हुआ Cl2 तो Cl2 ही हमेशा क्यों लिखा जाता है उसका कारण ये है हाँ जी अनिल मैं आपकी बात को बिल्कुल प्रायोरिटी पे लेकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व जल्दी ही करवाती हूँ ठीक है सो यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्लोरीन जो है इसके मध्य जो बंद बनेगा वो कैसा होगा एकल सहसंयोजक हो बंद क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है साझेदारी चलिए दूसरा उदाहरण देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग चलो ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन के बाहतम कक्ष में छः इलेक्ट्रॉन थे कितने इलेक्ट्रॉन थे छः तो एक दो तीन चार पाँच छः कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है दो इलेक्ट्रॉन की कमी है अब इसके पास दो की कमी है तो इसके जो सामने वाला ऑक्सीजन है उसमें भी दो की कमी होगी तो इसने पहला इलेक्ट्रॉन ये साझा किया और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के मध्य दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसको हम दो बंध के रूप में यहाँ पर बताते हैं तो सूत्र जो बना वो बना ओ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तीन की करिए तो यहां पर कौन सा बंद बन रहा होगा डबल बॉन्ड या द्वि सहसंयोजक संयोजक बंद यहां पर बन रहा है चलिए तीसरा एक और उदाहरण देखेंगे हम तीसरे उदाहरण को यहां पर देखिए आप नाइट्रोजन अच्छा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सात होता है सात होता है ना तो अब देखो दो कौमा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो बाह्यतम कक्ष में देखिए बेटा एक दो तीन चार पांच तो इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं तीन इसको तीन की कमी है राइट हम्म देखिए बेटा यहां पर देखिए तो यहाँ पर तीन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है ये बाह्यतम कक्ष में मुक्त है इसको तीन की कमी है तो अब ये नाइट्रोजन ने सामने वाले नाइट्रोजन के साथ क्या किया बंद बनाया अब इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसको भी तीन की कमी थी तो तीन तीन की साझेदारी हुई तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो यहाँ पर एन का निर्माण हो ठीक है सो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य कौन सा बंद बना ट्रिपल बॉन्ड बना या त्रि सहसंयोजक बंद बना यहाँ तक की बातें समझ में आई है क्या मुझे एक बताओ हुँ. जी अशोक मैं बिल्कुल केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करवा दूंगी है ना चल मनीष क्लास हमारी कब से चल रही है गाइस तो हमारी छह से सात जो है क्लास का टाइमिंग है ठीक है आ, अंकिता धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे ऐसा पूछ रहे हो क्या जानना हो तो देखिए अंकिता धातु और अधातु को जानने के लिए हमें एक तो उसके भौतिक गुणों का अध्ययन करना पड़ता है मतलब वो दिखने में कैसी है है ना देख के, के हम पहचान सकते हैं। देखिए धातुएं है जो होती है ठोकने पीटने पर चपटी हो जाती है मतलब आघात वर्दनी होती है धातुओं के तार बनते हैं धातु को पॉलिश किया जा सकता है धातु को किसी ठोस जगह पर टकराएंगे तो उसमें से ध्वनिक आवाज आती है ध्वनि उत्पन्न होती है सब धातु है, है ना तो धातु को देख करके हम सब पहचान सकते हैं और देखो 118 तत्व में से मुख्य 90 तो धातु ही है ठीक है चले कविता में आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ एक और बार बता रही पूजा चलो ध्यान से समझेंगे यहां पर एंथ्री क्यों नहीं लिखा नाइट्रोजन ये कितने नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन ये कितना नाइट्रोजन है एक तो एक और एक दो होंगे ना बेटा तो दो ही लिखेंगे ना यहाँ पर अगर ऐसा होता कि एन 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 तो यहां में एन थ्री लिख देती ठीक है पर अणु की संख्या तो दो ही है ना नाइट्रोजन दो ही है इसलिए मैंने दो लिखा यहाँ बंध तीन है तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है जो इसको अपन किसी भी रूप से दर्शा नहीं सकते यहां पर ये मैंने जो दो क्लोरीन लिखे हैं इसका मतलब एक ये क्लोरीन ये एक क्लोरीन दो क्लोरीन दो ऑक्सीजन इसलिए दो लिखे दो नाइट्रोजन 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 ने बंद की मतलब रासायनिक बंद कितने साझा किए हैं तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसीलिए यहां पर जो है एन टू लिखा हुआ है ठीक है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो है तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है ठीक है जी नीलम चले बेटा बढ़ते हैं अपन लोग आगे अब देखिए यहां पर यहां पर मैंने कुछ उदाहरण बताया चलो अब आपको थोड़ा सा होमवर्क मैं बताती हूँ आपको जो कि अभी करना है है ना अपन करते हैं थोड़ा सा होमवर्क भी देती हूँ फिर मैं आपको कि किस किस टाइप का किस में कौन सा बंद बनेगा चले बताएंगे आप लोग चले मुझे बताएं यहाँ पर मैं सभी के अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आपके परमाणु क्रमांक साइड में लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगा है ना चले देखिए हाइड्रोजन का एक है हीलियम के दो है लिथियम तीन है ना बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, सोडियम का ग्यारह सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 लो मैंने यहां पर है ना इलेक्ट्रॉन मतलब ये एक से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक लिख दिया अब चलो फटाफट बना के बताओ कि किस टाइप से किस में क्या बनेगा यहां पर मुझे बताओ एक है कार्बन दूसरा है हाइड्रोजन इसके मध्य बंद किस प्रकार से बनाओगे आप बनाओ किस प्रकार से कितने बंद बनेंगे बेटा वेरी गुड अंकिता अंकिता देखो वैसे तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए नब्बे धातु में से केवल अगर देखी जाए तो बाविस नॉन मेटल्स बाकी सब मेटल्स ही है, है ना और छह उप धातु है कार्बन हाइड्रोजन के मध्य बनाओ किस प्रकार से आप बंद बनाओगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मध्य बनाओ किस प्रकार से बनाओगे कार्बन क्लोरीन ये तीन बना के बताओ पहले किस प्रकार से बनाओगे सिद्धार्थ एक हाथ दिन में ही हमारी क्लास जो है स्टार्ट होगी डियर है ना दो तीन दिन में चलो इसके मध्य बंद बना के बताओ जल्दी से कार्बन हाइड्रोजन के मध्य किस प्रकार से बंद बनेगा और इसके मध्य कैसे बनेगा हाइड्रोजन फ्लोरीन के मध्य बंद बन सकता है क्या बनाओ जल्दी से हुँ. चले ये चार बंद बन, पहले बना के दिखाओ फिर मैं आगे के और बताती हूँ किस टाइप से कैसे बंद बनेंगे बनाए जल्दी से फिर मैं आपको सारे के सारे ही बंद एग्जाम एग्जाम्पल जो है आपको यहां पर पूछूंगी पहले वाले में बताओ क्या बनेगा राम प्रसाद वेरी गुड अमित सह संयोजक बंध सिर्फ अधातुओं में बनते हैं अधातु है ना नॉन मेटल्स में ही बन, बनते हैं मीथेन बनेगा बिल्कुल सही अंकिता चलिए क्या सोम्या सोम्या अभी बायो की क्लास नहीं लग रही ना बेटा बायो ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है यूट्यूब पे इसीलिए अभी हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ा रहे बेटा वेरी गुड तो तो पहला ऑलमोस्ट तो तो सभी का सही है देखिए कार्बन जो है इसका देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक है तो बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे मैं बना के बता रही हूँ कार्बन के बाह्यतम कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन दो कॉमा चार तो एक दो तीन चार चार इलेक्ट्रॉन इसके मुक्त है हाइड्रोजन के साथ कितने बंद बनेंगे देखो हाइड्रोजन 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 तो यहां पर क्या सूत्र बनेगा सी एच फोर तो कार्बन हाइड्रोजन के चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और यहां पर चार बंध मत करना है ना बेटा यहां पर सिंगल बॉन्ड ही है क्योंकि यहां पर अणु भी तो चार है हाइड्रोजन कार्बन के मध्य तो एक ही बंध है इसमें एक ही बंध है इसमें भी एक ही बंध है इसमें भी एक ही बंध है तो ये सिंगल बॉन्ड है चलो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक सात है यहां पर लिख दिया है मैंने तो दो कॉमा पांच तो कैसे बनाएंगे नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन एक दो तीन चार पांच तो ये तो अपने पास ऑलरेडी एक जोड़ा बना हुआ है है तीन की कमी है। तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन क्या सूत्र बना एन एच थ्री ठीक है अगला देखें यहां पर कार्बन और क्लोरीन किस प्रकार से बनेगा कार्बन के बाहतम कक्ष में एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास एक की कमी है तो उसने एक साझा किया ये दूसरा साझा किया ये तीसरा और ये चौथा तो यहाँ क्या बनेगा डियर सी सी एल फोर चार क्यों आएगा क्योंकि क्लोरीन कितने हैं चार और ये डायरेक्ट एच एफ बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नो है तो एक इलेक्ट्रॉन की बस साझा करेंगे तो एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड ये बनेगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा जस्ट एच और एफ में सिर्फ एक क्या है एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ इस प्रकार से जो है बनेगा बिल्कुल सही चले जिन भी बच्चों ने यहां पर अभी किए हैं वो बिल्कुल सही किए हैं और बिल्कुल सही बॉन्ड्स बनाए हैं चले मैं और क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको अभी बना के देखना है ना चले मुझे बताइएगा कार्बन और ऑक्सीजन किस प्रकार का बंद बनाएंगे साथ में और कैसा बंद बनेगा ये भी आपको लिखना है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसा वाला बंध बनेगा इसको बताना है ना और नेक्स्ट मुझे बताइएगा पहला दूसरा पहला बताओ यहां क्या बना रहे हो आप हम्म तीसरा उदाहरण आपके सामने ये रहा सल्फर और आपके सामने दिख रहा है ऑक्सीजन किस प्रकार से बनाओगे आ, सभी को आपको परमाणु क्रमांक याद है इसका छह है इसका नौ है इसका चौदह है चलो बनाओ इसके जल्दी जल्दी से किस प्रकार से बना के बता सकते हैं हम कि इसमें क्या क्या बंद बनेंगे चले इसके बनाओ फटाफट से क्या बनेगा किसका <coughs> अभी जितने भी बंद में यहां पर बता रही हूं ये सारे के सारे कैसे हैं अधातुओं के बीच बनने वाले है तो ये सारे नॉन मेटल्स के बीच में ही बन रहे हैं ना चले सीओ टू बिल्कुल सही का नहीं बिल्कुल सही अंकिता तो आप सभी ने बिल्कुल यहाँ पर सही बनाया है हम्म चले हाँ जी अंकित क्लास जो है डेली रहेगी अब अपनी सी ओ टू का फॉर्मेशन हुआ बिल्कुल सही बिल्कुल सही और यहाँ भी एस ओ टू ये भी बिल्कुल सही आ, अंशिका फिजिक्स जो है तीन चार दिन में स्टार्ट हो जाएगा हमारा इसी सप्ताह स्टार्ट होगा ये कंफर्म है क्योंकि केमिस्ट्री के भी अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं अभी थियोरिटिकल क्वेश्चंस को अब थोड़ा सा स्टॉप करेंगे या टॉपिक को अब स्टॉप करेंगे हम लोग अब फैक्चुअल फैक्चुअल पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है तो अब केमिस्ट्री में क्या क्या जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो सारे क्वेश्चन अपन पहले कर लेंगे अभी तो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बचे हुए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया है उसको भी थोड़ा सा अपने को पढ़ना है बिल्कुल सही आप सभी का बिल्कुल सही है कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बनेगा कैसे कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन हैं तो दो बंद के साथ उसने ऑक्सीजन से शेयर किया दो बंद उसने इस ऑक्सीजन से शेयर किए सूत्र बना सीओ टू फ्लोरिन फ्लोरिन के मध्य सिंगल बॉन्ड बना सूत्र बना एफ टू यहां पर क्या हुआ सल्फर सल्फर एसओ टू यहां पर भी सेम सेम ही चीज हो गई SO2 टू का निर्माण हुआ सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोराइड बस सिंपल ठीक है चले तो आज जो है हमने यहां पर आज बंद बनाना सीखे तो वापिस में एक चीज बता दू आपको शुरू से कहानी का सार रासायनिक बंध कब बनते हैं रासायनिक बंध जो है कोई भी तत्व तब बनाता है जब उसे अपना अष्टक कंप्लीट करना रहता है अब इस बंध बनाने के लिए या तो वो इसको किसी तत्व को इलेक्ट्रॉन दान करेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को दान या ग्रहण करता है तो उसके मध्य आयनिक बंद का निर्माण होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को एले, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उसके मध्य सह संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है मतलब आयनिक बॉन्ड जो है दान और ग्रहण करने वाले के मध्य आपको पता है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन दान करता है मेटल डोनेट करता है और नॉन मेटल रिसीव करता है तो

बिल्कुल सही चले तो गाइज हम लोग आज के लिए रखते हैं इतना ही कल मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ तो थैंक्स फॉर टुडे सी यू टुमारो थैंक यू हैव हैवे नाइस डे मिलते हैं कल बाय ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल थैंक यू